जय श्री गणेश दोस्तों वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्या होती है बारह बजे हमारी साइंस की क्लास होती है टीटीएस में ठीक है सभी लोगों को पता है कि टीटीएस में हमारी क्या होती है साइंस की क्लास होती है ठीक है जिसका एटीन लेक्चर चल रहा है जिसमें हम सुपर थर्टी नाम सुपर थर्टी क्वेश्चन करते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो जेल पेरी का एग्जाम है आप पुराने पैटर्न पे से ही होने वाला है आपको रूल बुक कल सेंड कर दी गई थी ठीक है उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ठीक है जैसे उसी बेस पे होने वाला है तो यानी कि हम मान सकते हैं कि साइंस के अब ट्वेंटी क्वेश्चन ही आएंगे तो उम्मीद है कि पेपर अब थोड़ा सा टफ उस लेवल का नहीं हो सकता जिस लेवल का मैं सोच रहा था कि चालीस क्वेश्चन आएंगे तो पेपर इस हिसाब से होगा ठीक है अब उस हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा थोड़ा सा कम ही हो सकता है उस हिसाब का ठीक है बिल्कुल यहाँ पे नमस्ते सभी लोगों को जय माता दी बिल्कुल यहाँ पे हेलो ठीक है आगे चलते हैं उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे देखिए अब आप लोगों का सिलेक्शन होने की और ज्यादा बढ़ गए हैं चांसेस क्यों बढ़ गए हैं क्योंकि अब आपका पैटर्न पुराना ही है ठीक है करेंट अफेयर की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं ली है अभी तक नौ लेक्चर हो चुके हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए सार सबको रट डालिए ठीक है थीके? जितने भी है सारे रट डालिए आप लोगों ने जितने भी कर रखे हैं सारे रट डालिए देखिए साढ़े चार सौ से ऊपर क्वेश्चन है उसके अंदर साढ़े चार सौ से ऊपर क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर रट लेना है उन लोगों को फिर बाकी जो एफर्ट लगाने हैं आपको वो तो अलग से लगाना है ठीक है टेलीग्राम पे सेंड करिए और कहाँ पे सेंड होगी जो भी चीज़ें सेंड करने की होती है हम उसे टेलीग्राम पे ही सेंड करते हैं आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल गई होगी टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की देख लीजिएगा आप ठीक है बाकी आपको मैं ऐसे औरली बता देता हूँ कि उसमें क्या बस ओवरऑल ये है कि पुराने जब पेपर होता था दो घंटे का दो घंटे का ही पेपर होगा और सो ही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर ठीक है बस इतना दिमाग में रखिए आप देखिए मैथ्स की आपकी प्रैक्टिस से चल रहा है आप लोगों में से अगर कोई लाइव नहीं आता है तो बहुत ही गलत बात है बहुत ही मतलब हंड्रेड परसेंट गलत बात है प्रैक्टिस है, क्योंकि नूतन मैम के पास टाइम नहीं रहता वो फिर भी सुबह लेती हैं आपकी क्लास लेती हैं ठीक है थीके? दो लेक्चर हो चुके हैं बिल्कुल अगर आप लोग मॉर्निंग में क्लास उनकी लाइव क्लास नहीं लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का ठीक है लाइव आना ज्यादा मैटर करता है उनकी क्लास में लाइव आना ज्यादा मैटर करता है क्योंकि वो इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाती हैं जिसमें आपको डाउट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होते हैं ठीक है जिसमें आप अगर खुद से पढ़ सकते है तो, तो फिर आपको लाइव क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं थी ठीक है तो इसलिए हमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चल रहा है व्यापम के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से पेपर उसमें जो क्वेश्चन लिए जाते हैं पुराने क्वेश्चनों को देख के लिया जाता है उसके अंदर ठीक है तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन करिए सुबह बली नींद खराब होती है क्योंकि वो नूतन मैम भी अपनी खुद की नींद खराब करके आपके लिए मॉर्निंग में क्लास लेती हैं वो क्योंकि उनके पास शाम को टाइम नहीं ये देखिए अपना टाइम टेबल देख लीजिए आप लोग अभी एक महीने आपको एकदम पढ़ाई करना है सारा एकदम खाना पीना नींद वींद सब त्याग दो अपना एकदम पढ़ाई में लगे ठीक दिन भर पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए ठीक है मंडे आपको पता है एमडब्ल्यू एफ का टाइमिंग आपको पता है जिसमें मैथ्स की हिंदी की और साइंस एमपी जी की क्लास होती है ठीक है और साइंस की क्लास का होती है आपकी आपकी टीटीएस में होती है ठीक है ती? ती टी टी एस में होती है आप देख पा रहे होंगे साइंस की क्लास जो कि मेरी होती है और अर्जुन सर की एमपी जीके जी एस की होती है ठीक है ये सभी लोगों को टाइम टेबल पता होगा संडे स्पेशल होता है जिसमें हम करंट अफेयर लेते हैं अब से टेस्ट भी होगा इसमें ठीक है टेस्ट हो जाएगा ऐसे कोई संडे का कोई जरूरी नहीं है कभी भी टेस्ट हो जाएगा आपको बस अटेंड करना है टेस्ट ठीक है आपको पहले बता दिया जाएगा एक दिन पहले हाँ दो घंटे में सौ क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ठीक है ये देखिए जल्दी से वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए लाइक कर दीजिए वीडियो को ठीक है शेयर आप लोगों ने कर दिया होगा उम्मीद है आप लोगों से ठीक है जो भी मेरा भाई बंधु नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आते हुए सभी लोग बहुत ही अच्छे से आंसर करेंगे क्योंकि पेपर आप वैसे ही बनेंगे और साइंस का पेपर तो देखो भैया टफ बनेगा के पी जाना है, ऐसा करना है कि मतलब कुछ भी पूछ लो आंसर आपका सही होना चाहिए ठीक है जल्दी से बताइए यहां पर पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आता हुआ है ठीक है उम्मीद है आप लोग क्लासों को ज्यादा से ज्यादा लाइव आएंगे जल्दी से बताएंगे सोल्यूशन इज विज नो मोर सोलून कैन बी डिजॉल्व एट विच टेम्परेचर इज कॉल ठीक है मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, पैन का ठीक है जल्दी से बताइए एक विलन जिसमें कोई अन्य विलय दिया गया तापमान पर नहीं घोला जा सकता उसे निम्न कहते हैं क्या कहते हैं बिल्कुल यहां पर अरविंद जी कह रहे हैं ठीक है वो कह रहे हैं अनसेचुरेटेड ठीक है ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोगों को एक चीज बताया जा रहा है देखिए सॉलिड और सॉल्वेंट यहाँ पर आप लोगों को दिखा हुआ है यहां पर ठीक है सॉलिड लिखा हुआ है ठीक है जो आपको पता है सॉलिड और सॉल्वेंट के बारे में मैंने बताया था आपको ठीक है जैसे कि आपके पानी है इसके अंदर ठीक है इसके अंदर पानी है पानी भरा हुआ है और इसमें एक चम्मच क्या डाल दिया आपने शक्कर डाल दिया इसमें ठीक है आप लोगों को पता है एक चम्मच आपने शक्कर डाल दिया जो कम मात्रा में रहता है उसको सॉलिड कहते हैं सोलिड कहते हैं सोलिड का यहाँ पर आप हिंदी दे सकते हैं ठीक है हिंदी यहां पर किसे क्या कहते हैं घोला जाता है बिल्कुल यहां पर आप हिंदी चेक करते हैं और सॉल्वेंट जिसमें ज्यादा मात्रा में जो होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं ठीक है अब वो कह रहा है कि नो बर सोलिड कुछ सॉलिड ऐसे है होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी क्या होते हैं डिजोल्व नहीं होते हैं ठीक है तो उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं हम सचुरेटेड सोल्यूशन ठीक है ध्यान रखेगा सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं हम लोग ठीक है ध्यान रखिएगा इसका सचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसका आंसर

किसी का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कुलदीप जी का उत्तर आ गया है बिल्कुल ओविल्स यहाँ पे कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग सही कह रहे हैं यहां पर ऑविल्स आप लोग बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं बिल्कुल आप लोगों को पता होगा देखिए ये मैं ऐसा बना देता हूं एक रफ डायग्राम ठीक है एक रफ डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं ऐसा होता होगा फेफड़ा आपने देखा होगा ये इसका ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकली होती है इसमें जो आखिरी छोर होता है आखिरी छोर होता है ये ऑविल्स ये होते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा ऑब्वियस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है द प्रोसेस ऑफ डिपोटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी सुपीरियर मेटल ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द चीपर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है जल्दी से बताएंगे इसका पूछा गया वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निषेपित निशे, किया जाता है इसे क्या कहते हैं बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल यहां पे ऑब्जर्व करा होगा इस चीज को कि ये क्या चीज की बात हो रही है यहां पर जल्दी से इसका आंसर बताएंगे ठीक है जल्दी से बताएंगे बिल्कुल इस आभूषण वगैरह भी देखे होंगे इसके आप लोगों ने उसको कहते क्या है ये बताया आप तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग बिल्कुल यहां पे सही कह रहे हैं इलेक्ट्रो विनिंग नहीं होगा इलेक्ट्रो प्लेटिंग यहां पर बिल्कुल यहां पे सही कह रहे हैं आप लोग ठीक है आप लोगों ने सुना होगा यहां पर कोई ऐसा भी सोना मिलता है आपको कि जिसमें क्या होता है सोने की परत चढ़ी होती है ठीक है तो वो पूरा सोने का नहीं होता सिर्फ सोने की परत चढ़ी होती है कहते हैं ना जनरल लैंग्वेज में कहते हैं हम कि सोने का पानी चढ़ा रखा है उसके ऊपर ठीक है बल्कि वो एक्चुअल में सोने का नहीं होता है वो ठीक है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो होता है वो चाहिए कि एक महंगी धातु मतलब सस्ती धातु के ऊपर महंगी धातु चढ़ा दी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ठीक है ठीक है ऐसे कठिन क्वेश्चन पूछ लेता है वो इजी है आपको पता है बस उसको कहते क्या आपको ये नहीं पता है ठीक है उसने लिख के भी दे दिया इलेक्ट्रोब्लेटिंग अब हमें पता तो होना चाहिए कि हमें पता तो जो मैंने दिया है ये सबको पता है एक्स वाई जेड आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये सबको पता है पर यह चीज हमें एक्चुअल में उसको कहते क्या ये नहीं पता हमें क्वेश्चन ऐसा ही आता है हमें एक्चुअल चीज नहीं पता होती है जनरल चीज पता होती है जो जनरल लैंग्वेज में यूज करी जाती है ठीक है आर मेड ऑफ देखिए ये पाइप जो बने होते हैं किसके बने होते हैं जल्दी so. से बताएंगे कि पाइप आर मेड ऑफ द जल्दी से बताइए मेड ऑफ किससे बने होते हैं कास्ट आयरन नन ऑफ दिस कॉपर एलुमिनियम किसके बने होते हैं जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कास्ट आयरन बिल्कुल यहां पे सही बात है यहाँ पर सही जवाब कह रहे हैं आप लोग कास्ट आयरन आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ठीक है फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल माया जी कमलेश जी प्रतिमा जी बिल्कुल यहाँ पे संगीता जी कास्ट आयरन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग ठीक है बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आप लोग आंसर करेंगे ना मैं कह दे रहा हूँ बहुत ही सटीक आंसर आप लोगों के पेपर में होने वाले हैं अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे साइंस में ठीक है अब मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेने लग जाऊँ फिजिक्स के भी ले रहा हूँ केमिस्ट्री के भी ले रहा हूँ केमिस्ट्री के मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ठीक है फिजिक्स के ले रहा हूँ बायो को थोड़ा कम कर दिया गया है कम नहीं किया है मतलब क्वेश्चन को थोड़ा अनुमान क्योंकि मैंने बायो पहले बहुत ज्यादा बता दिए ठीक है जल्दी से बताएंगे अ फोर्स दैट अपोज द मोशन वन सरफेस स्लाइडिंग ओवर अनादर इज कॉल्ड ठीक है जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कोई भी बता देगा एक सतह सतह को दूसरी पर की गति को विरोध करने वाला बल होगा फ्रिक्शन बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कोई भी दे देगा आंसर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही जवाब है ठीक है बस आप लोगों से मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मैक्स की और इंग्लिश की जो क्लास है मैथ्स और इंग्लिश की जो क्लास है जो मॉर्निंग में होती है आपकी ठीक है उसमें लाइव आइए आपको बहुत दिक्कत करेगी नींद खराब करें चाहे कुछ भी खराब करें अगर आप सुबह के चार बजे भी सो रहे हो तो भी आपको आना है नौ बजे उठकर ठीक है नौ बजे उठना दस एक घंटे की क्लास लेना फिर सो जाना वाली ठीक है पर वो क्लास लाइव ही लेना ये मैंने दस बार आप लोगों को कह दिया है मैंने आज भी देखा बहुत कम लोग लाइव थे वो आप लोगों को दिक्कत कर जाएगा ठीक है लाइव नहीं आएंगे क्यों क्योंकि नूतन मैम एक बार भी कमेंट बाद में नहीं देखती है थीके? क्योंकि उनके बिल्कुल टाइम था। और कमेंट पूछे जाते हैं और क्या जवाब देना तो रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको फिर ठीक है वो अभी क्लास ले रही है वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है ठीक है जल्दी से एक नया क्वेश्चन आपके सामने आते हुए जल्दी से बताएंगे आपसे पूछा गया कि मेहंदी में पढ़ देता हूं हाँ, कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य द्रव्यो अम्लों का अभिगमन नहीं होता है ठीक है सेवन पॉइंट थ्री अच्छा थ्री मतलब कह रहे, रहे बिल्कुल कमलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ बिल्कुल यहां पे सही बोल रहे हैं यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहां पर बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का यहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आ रहा है बिल्कुल यहां पर सभी लोगों का एकदम सही पॉइंट आ रहा है बिल्कुल सटीक जवाब आ रहा है बिल्कुल सभी लोग भाग्यश्री जी बिल्कुल शिवी जी बिल्कुल आप लोग सही जवाब कह रहे हैं ठीक है ठीक है देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं कभी आपसे ये लाइव क्लास मिस भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती क्यों नहीं दिक्कत होती है इसमें क्योंकि इसमें मैं छोटे छोटे पॉइंट बताता हूं नहीं पता है तो हम सभी कर सकते हैं ठीक है लाइव ले लिया अच्छी बात है नहीं ले पाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है पर इसलिए आपको कहा जाता है कि मैथ्स की और इंग्लिश की क्लास लाइव लें द मैग्जिम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द इट्स मीन पोजिशन मीन पोजिशन इज कॉल्ड इट्स जल्दी से बताइए क्या होगा इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार आपको ड्रॉ करके बताया है मैंने कंपनशील की वस्तु उसकी मध्य अवस्था में अत्यधिक दूरी कहलाती है जल्दी से बताएंगे यहां पे बीच कह रहे हैं आप लोग बहुत ही गलत बात है ये देखिए आपको ये बताया गया है ये देखिए वाइब्रेशन बोल रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी ठीक है ये आपकी ये ऐसी अब आपने कोई चीज हथोड़ा मारा तो हथोड़ा मारा तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ ये ठीक है थीके? फिर ये फिर ये अब वो ये पूछ रहा है इसका जो मैक्सिमम ये क्या होता है इसको क्या कहते हैं ठीक है थीके? बिल्कुल हरीश जी बिल्कुल यहां पे सही कह रहे हैं एम्पलीट्यूड बिल्कुल आयाम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग ठीक है एम्पलीट्यूड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है सभी लोग जो भी एम्पलीट्यूड कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी नहीं होगी हर बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लीजिए मतलब ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग हमेशा गलत जवाब कहते हैं पूछ क्या रहा है वो आपसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑफ बॉडी ठीक है आगे चलते हैं हम लोग स्लाइड नंबर 12 पे आते हुए ये तो कॉमन क्वेश्चन है मतलब अगर हम एसिड बेस एंड सो पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो ये चीज हमें सबसे पहली पढ़ाई जाती है मतलब हमें पता पता हो इसके बारे में ठीक है आपको पता होना चाहिए इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एसिड एसिड रिएक्ट रिएक्ट विद बेस का कराया बेस का कराया से ठीक है तो क्या होगा जल्दी से बताएंगे सॉल्ट एंड वाटर बिल्कुल यहां पर बहुत ही इजी वाला था बहुत ही मतलब ऐसे कोई गलती की तो गुंजाइश ही नहीं थी इसमें बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं यहां पर डी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ठीक है असॉल्ट एंड वाटर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है डी वाला बिल्कुल देवकी जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका उत्तर गलत है ठीक है सी नहीं होगा अनादर एसिड एंड अनादर बेस ऐसा नहीं होगा ठीक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है अपन नाइन्थ क्लास में ऑलमोस्ट होते हैं जब हमें पढ़ाई जाती है शायद से जितना मुझे याद है ठीक है ये वाली रिएक्शन हमेशा याद रखना इसमें गलती मत कर देना बच्चों वाला क्वेश्चन है ये ठीक है और इंपॉर्टेंट भी है पूछ लेता है ये आपसे ठीक है हाँ सॉल्ट एंड वाटर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का स्लाइड नंबर तेरह की तरफ दौड़ते हुए हम लोग ठीक है जल्दी से बताएंगे आप लोग पूछा गया बिल्कुल इसके बारे में भी, भी मैंने आपको बताया है हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है हाँ जल्दी से बताइए आपसे पूछा गया है दो विभिन्न जीवों के बीच में संबंध जिसमें दोनों लाभिक होते हैं कहलाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था ठीक है सिम्बो जुआन सिंह जी कह रहे हैं रवि जी कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे सिम्बोसिस बिल्कुल इसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने ठीक है उसमें फंगी और एलगी दोनों साथ में रहते हैं सिम्बोएसिस ठीक है भाई ये तू अपना साथ में रह सकता है बिल्कुल ये एग्जाम्पल के तौर से मैंने आपको बताया था ठीक है आगे चलते हैं हम लोग स्लाइड नंबर फोर्टीन की तरफ आते हुए जल्दी से बताएंगे आप लोग हाँ बिल्कुल सिम्बोसिस यहां पर बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं आप लोग ठीक है स्लाइड नंबर फोर्टीन पे आते हुए आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्ड इनवर्ड नाउ द मिरर इज फॉर्म एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रिय है जब अब निर्मित दर्पण है क्या होगा वो कॉनवेक्स कॉन्केव या प्लेन मिरर जल्दी से बताएंगे ऑब्वियसली बात है कॉन कैब मिररर की बात कर रहा है बिल्कुल यहाँ पे कर्ड वाली बात करी है उसने बिल्कुल यहाँ पे कॉनकेब मिरर है बिल्कुल सही जवाब है यहाँ से सिल्वर प्लेटिंग होती है उसके ध्यान रखिएगा बैक साइड से आगे से प्लेन रहता, रहता है वो ठीक है और ऐसा कर्व रहता है ठीक है ये कॉनकेब मिरर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग ठीक है यहाँ पर अबतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब है ठीक है मिरर वगैरह में तो कन्फ्यूज मत होना क्योंकि क्वेश्चन आता ही है ठीक है ध्यान रखिएगा मिरर वगैरह में कौन कन्फ्यूज नहीं होना उसके ऊपर ठीक है आपको बताया गया यहां पर ये तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन आया है रोज सुबह व्यक्ति हर व्यक्ति एक चाय का कप तो जरूर लेता है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आया है ठीक है आपसे पूछा गया है कि स्टील के कप में गर्म चाय पीने की तुलना में इसे क्या पूछा गया पार्सिलीन कप पार्सिलीन कप क्या होता है पेरोसिलीन आप पूछा गया यहां पर कप में पीना अधिक आसान होता है क्योंकि जल्दी से बताइए ठीक है स्टील का तो पता चल गया आपको क्यों नहीं पी सकते हैं उसके अंदर ठीक है हाँ बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग आंसर करने लग गए हैं इज अ हीट इंसुलेटर बिल्कुल पर सही कह रहे हैं, आप लोग सी वाला यहां पर उष्मा का कुचालक होता है बिल्कुल यहां पर सही जवाब है बिल्कुल ये तो डेली बेसिस की चीज है हम लोग समझ गए हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा था हमसे ठीक है बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर ठीक है ऑल ऑफ द अब ऑफ यहां पर बिल्कुल गलत जवाब है ठीक है ठीक है वो हैंडल की वजह से नहीं होता है कि वो उसमें हैंडल लगा हुआ है उसकी वजह से ठीक है और ऐसा भी नहीं होता है कि टी विल बी और इसलिए भी नहीं कह सकते हैं हम लोग कि टी विल बी कूलर फास्टर इन द स्टील चंपला ठीक है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं हम लोग तो ठीक है बिल्कुल यहां पर आप लोगों का जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है ठीक है यहां पर बताइए जल्दी से स्टील जल्दी हीट हो जाने लग जाता है ये बात ध्यान रखिएगा बस चलिए यहां से बताइए एसिडिक एसिड ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है अभी क्या आया था एसिड बेस पे आया था और वाटर और क्या सॉल्ट बना था ठीक है अभी पूछा एसिडिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज ठीक है न्यूट्रलाइज बाय ठीक है जल्दी से बताइए क्या होगा सर ध्यान रखिएगा एसिडिक एसिड ठीक है बिल्कुल यहाँ पे ज्योति जी का उत्तर यहां पर बिल्कुल यहां पर सही आया है यहां पर उन्हें एन एच यानी के अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सही जवाब किया है ठीक है ध्यान रखेगा बिल्कुल यहां पर पूनम जी का भी उत्तर सही है, है एसिट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा आप लोग आगे चलते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ चुका हूं बस क्वेश्चन का तरीका अलग पूछ गया द सोल्डरिंग वायर इज एन अलॉय ऑफ ठीक है किससे मिलके बना होता है टाका तार किसके द्वारा मिश्रित धातु है ठीक है कोई बात नहीं बस थोड़ा सा टाइम पे आ जाएगा कह रहे क्योंकि क्या होता है बाद में देखने का मूड नहीं होता है ठीक है क्वेश्चन लगाने रहते हैं क्लास चली जाती है क्वेश्चन चले जाता है फिर हम सोचते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है टाइम पे ले लो बात ही खत्म हो गई दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कॉपर टिन कह रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है लेड टिन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ठीक है लेड और टिन बिल्कुल मैंने आपको बताया था जो की सचिन जी ज्योति जी और अरविंद जी बिल्कुल यहाँ पे ज्योति मीना जी का भी उत्तर सही है यहाँ पर सपना जी बिल्कुल उत्तर सही है ठीक है बिल्कुल यहाँ पर देव की जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका ये कि याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट में आता है मैं और भी आपको बता दूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आते आएंगे ठीक है अलॉय के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को बताया है स्टील <coughs> के भी ऊपर आता है एक स्टील के बारे में पूछा जाता है मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को स्टील का मैं देखना चाहूंगा अगर क्वेश्चन आएगा तो कितों देंगे इसका आंसर ठीक है स्टील कैसे निर्मित होता है ठीक है स्टेनलेस ठीक है स्टील मतलब फिर आप कहीं और ने चले जाए द एलिमेंट यूज इज द इंडेक्स द वेल्थ ऑफ कंट्री ठीक है देश का धन से सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कोई भी बता देगा इसको गोल्ड यहां पर बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन अर्थात गोल्ड ठीक है जल्दी से मेरे को यहाँ पर क्या बताएंगे गोल्ड का सिंबल बताएंगे आप लोग क्या होता है गोल्ड का सिंबल है और अटोमिक नंबर भी बता देंगे फटाक से ठीक है सिंबॉल भी बताएंगे यहां पर सिम्बॉल भी बताएंगे और अटोमिक नंबर भी बताएंगे मेरे को उसका ठीक है सिम्बॉल बताइए जल्दी से सोना यहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग एयू कह रहे हैं बिल्कुल यहां पर सिम्बॉल उसका एयू होता है बिल्कुल और सिल्वर का एजी होता है ठीक है सिल्वर का ए होता है ठीक है अटोमिक नंबर कितना होगा जल्दी से बताएंगे अटोमिक नंबर ठीक है एयू एयू सब बता रहे हैं बिल्कुल सही है अटोमिक नंबर पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन इसलिए मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि रैंडमली अगर पिक करके पूछ लिया जाए आपसे तो आप कैसे आंसर करेंगे ठीक है जल्दी से बताइए नहीं बार बार बताने से याद हो जाता है ठीक है मैं बता देता हूं यहां पे नंबर इसका 79 होता है ठीक है सेवनटी नाइन इसका अटोमिक नंबर होता है और फोर्टी सेवन आपका सिल्वर का होता है ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोग हाँ नो कोई बात नहीं देखिए ये दिक्कत होगी ना अब जैसे आपको नहीं पता था अब आपको पता रहेगा कि सेवनटी नाइन में क्या होता है आपका गोल्ड का अटोमिक नंबर होता है ठीक है जो लोग भी एटी लिख रहे हैं वो मरकरी का होता है ध्यान ठीक है अस्सी जो होता है मरकरी का होता है आगे चलते हैं हम लोग बाकी तो छोटा छोटा लिखा था और एल्मुनियम का तो ठीक है इन कैक्टस द दिन द आर द मॉडिफाइड ठीक है नागफनी में कांटा किसका रूपांतरिक प्रकार है बच्चों वाला क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है ठीक है हमेशा आ जाता है ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल सारस जी यहां पर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सेवेंटी नाइन उसका राइट आंसर है गोल्ड का अटोमिक नंबर आप सही बता रहे हैं ठीक है पत्तियां यहां पर बिल्कुल लीव्स यहां पर बिल्कुल सभी लोगों का यहां पर सही जवाब है ठीक है बिल्कुल उसका जैसे वाटर से क्या होता है रिड्यूस होता जाता है उसका एरिया और वो बिल्कुल यहां पे क्या होता है कांटे में परिवर्तन हो जाता है उसका ठीक है बिल्कुल यहां पर लीव्स यहां पर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का बिल्कुल यहां पे प्रतिमा जी बिल्कुल सही उत्तर है भाग्यश्री जी संगीता जी बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर आप लोगों का आगे चलते हैं स्लाइड नंबर बीस की तरफ हैं बॉल बियरिंग बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए बॉल बियरिंग क्या होता है क्यों यूज किया जाता है इसको बिल्कुल आपने बियरिंग सुना होगा यार बियरिंग घिस गई है इसकी चेंज करनी पड़ेगी ये करना पड़ेगा ठीक है हाँ सपना जी हमेशा तीस क्वेश्चन होते हैं साइंस की क्लास में सुपर थर्टी है नाम है इसका तीस क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर ठीक है एग्जैक्ट तीस क्वेश्चन होते हैं कभी कभार एक आध ज्यादा भी हो जाता है कम की गुंजाइश नहीं है ज्यादा बिल्कुल हो जाएंगे ठीक है डिक्रीज फ्रिक्शन बिल्कुल यहां पे अरे इंक्रीज फ्रिक्शन नहीं किसी भी बॉल बेयरिंग किसी भी चीज में यूज किया जाता है तो वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है कि खराब ना हो चीजें इस वजह से ठीक है फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के ना कि इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए थोड़ी ना यूज किया जाएगा ठीक है बॉल बियरिंग बहुत ज्यादा सुना होगा आप लोगों ने बियरिंग अरे बियरिंग घिस गई इसकी वो बियरिंग घिस गई वो बियरिंग यहां पे भी बॉल बियरिंग की बात कर रहा है वो ठीक है बिल्कुल यहां पे उसका काम क्या होता है फ्रिक्शन को कम करना ठीक है डिक्रीज करना ठीक है घर्षण को कम करना बिल्कुल देवकी जी सही बता रहे हैं आप संगीता जी बिल्कुल फोर्थ वाला उत्तर यहां पर सही है बिल्कुल जुआन सिंह जी बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है हाँ मैंने तो हर बार बता रखा है शायद से आप लोग क्या सुनते काम है क्या का कान वान में थोड़ा सा है ना डॉक्टर वॉप्टर को दिखाओ आप लोग ठीक है ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोगों को हम लोग हमेशा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट चले हमेशा रट लो इनको ठीक है रट लो ठीक है रट लो आप लोग इसको ओल्ड पेपर पढ़ना ही पड़ेगा आपको प्रीवियस पेपर जो है बिना उसके काम नहीं चलने वाला आपका कोई भी हो जाए ठीक है अगर कोई टॉप भी मारेगा ना तो उसने भी प्रीवियस पेपर रट रखे होंगे पहले से ही. फिर वो अलग से अपना एफर्ट्स लगाएगा उसमें ठीक है आपसे पूछा गया है कि डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ठीक है यहां पे लिखा हुआ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें भी मैंने आपको ट्रेक बताई थी ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है जल्दी से बताइए एम आपको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बताई थी और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाने के लिए भी मैंने आपको बताई थी ठीक है बिल्कुल अरे इलेक्ट्रिकल मोटर तो आप वहां जवाब देंगे जब ई एम से जाना होगा ई e से एम की तरफ जाना होगा इलेक्ट्रिक मोटर वो उसके नाम में ही छुपा हुआ है ठीक है इलेक्ट्रिक मोटर तो आप तब जवाब देंगे जब आपसे उसने क्या बोला हो कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जाना हो ठीक है अभी वो क्या कह रहा है मैकेनिकल से आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है ठीक है जिसका जनरेटर होता है आंसर डायनेमो बिल्कुल यहां पर सही कह रहे हैं जनरेटर कंफ्यूज मत हो देखिए मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को एक चीज ये देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में आपको दिख रहा है ई और एम ठीक है तो ई और एम का मतलब क्या इलेक्ट्रिक और ये मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक से हम लोगों को मैकेनिकल में जाना होगा तब इलेक्ट्रिक मोटर यूज करेंगे ठीक है और अभी क्या बोल रहा है वो कि मैकेनिकल से आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है एम से ई e की तरफ जाना है आपको तो आपको जनरेटर जब एक चीज हमें पता होगी तो हम जनरेटर पर क्लिक कर देंगे ठीक है जब हमें इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम दूसरे का पता कर लेंगे ध्यान देखें कभी जनरेटर लिखा आएगा कभी डायनोमो लिखा आएगा ठीक है ध्यान दीजिएगा ये सरल सरल से क्वेश्चन है बच्चों वाले स्लाइड नंबर 12 पे आते हुए टू बिकम स्टेबल मेटल ठीक है स्थिर बनने के लिए धातुओं में जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए ठीक है आइसो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज और नोर गेन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन ठीक है क्या होना चाहिए जल्दी से बताएंगे ठीक है जल्दी से बताएंगे यहां पर हाँ बिल्कुल यहां पे क्लियर हो गया बिल्कुल यहां पर आदान प्रदान कह रहे हैं यहां पर ठीक है द टू बिकम स्टेबल मेटल्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है ठीक है टू गेन स्टेबल होने के लिए होने ठीक है स्टेबल होने के लिए क्या होता है यहां पर ज्यादातर लूज और ठीक है ये वाला मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है ठीक है इसके पीछे के थोड़ा सा थोड़ी आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है आंसर से काम नहीं चलेगा यहां पर आपको थोड़ा सा चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको इसको होमवर्क में लिखना है और अगर आप लोगों ने इसको सर्च नहीं किया ठीक है अगर आप लोगों ने इसको सर्च नहीं किया तो ये आपका क्या कर देगा लॉस ध्यान रखिएगा आपका लॉस कर देगा ये अगर आप लोगों ने इसको सर्च नहीं किया तो ठीक है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कह कह रहे रहे हैं हैं यहां पर आइसो सॉरी से ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोगों ने इसको अगर सर्च नहीं किया तो आपको दिक्कत कर देगा ये ठीक है आंसर इसका आइसो इलेक्ट्रॉन है आपको और सर्च करना है इसके बारे में कि इसको और पता करना है ठीक है आंसर बता दिया मैंने ठीक है नया क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आते हुए जल्दी से बताएंगे ठीक है यहां पर जल्दी से बताएंगे वेन आयरन आयरन नेल रिएक्ट विथ ठीक है आयरन ठीक है ये बहुत ही अच्छी चीजें बहुत ही बढ़िया चीज है मतलब ये क्या है तो बोलू मतलब मैं एक बहुत अच्छी सी चीज आपको बता देता हूं मेरे को अभी थोड़ा सा याद नहीं है वो फिर भी मैं बता देता हूं आपको ठीक है वो थोड़ा सा मतलब मैंने भी उसको ट्रिक से याद कर रखा था पर अभी मैं बता देता हूं आपको कि वो चीज़ क्या है ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज होती है अगर आप लोगों को ने पढ़ नहीं रखी हो तो बिल्कुल उसको पढ़ लीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज होती है ठीक है यहां पर रिडक्शन कह रहे हैं आप लोग ठीक है रिडक्शन होगा ठीक है नहीं बिल्कुल यहां पर गलत जवाब कह रहे हैं आप लोगों को शायद से एक बेसिक सी चीज़ नहीं मालूम है ठीक है मैं आपको एक चीज बता देता हूं ठीक है एक चीज ये देखिए नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कहीं को, कोने कॉप्चे में ठीक है मैंने इसलिए थोड़ा सा देख लिया है क्योंकि गलती से गलत में नहीं बताना आ जाए ठीक है क्योंकि मेरे को तो याद है वो काना का मांगे आलू जिंक आ, जिंक आयरन लेड ये सारा मेरे को याद है ठीक है रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है ठीक है रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसका आंसर ठीक है थीके? ये क्या होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज पे आधारित होता है ठीक है अब रिएक्टिविटी सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप देख लीजिएगा ठीक है समेंट नहीं होता रिप्लेसमेंट होता है ठीक है रिप्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ठीक है रिप्लेसमेंट होता, होता, होता है क्या होता है देखिए मे को रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूं ठीक है ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है आर एस लिख दिया है ये क्या होता है एक सीरीज होती है ठीक आप है आपसे पूछा है यहां पर कि काशीनाथ का माली ठीक है काशीनाथ का माली ठीक है यहां लिखा हुआ है आलू ठीक है एक ये सीरीज है पूरी लंबी सीरीज है मैं ऊपर लिखते जाऊंगा इसको ठीक है ये ऐसे है ये ऐसे लिखा हुआ है ठीक है मैं ऐसे लिखते जाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है अपने पास इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग ठीक है काशीनाथ का माली काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता ठीक है जरा फीके पकाता ठीक है फीके पकाता है ठीक है ये लाइन हो गया काशीनाथ का माली आ, ये सोडियम है आपका माली काशीनाथ का माली ठीक है आलू जरा फीके पकाता है ठीक है ये लाइन हो गई आपकी ये शॉर्ट ट्रिक है आपको लिख लीजिएगा ठीक है बाकी आगे यहाँ पे कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम ठीक है ये तो आपको याद करना पड़ेगा आखिरी वाली जो लाइन है ठीक है ये पूरी है सीरीज होती है ये एक के नीचे एक है ठीक है ये एक के नीचे एक लिखी हुई ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर ये एक कॉपी में आप लंबे में लिखिएगा इसको ठीक है इसके बेस पे ये क्वेश्चन आधारित है ठीक है मैं एक और चीज कॉमा बना देता हूं इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या है आपसे ये देखिए आप देख पा रहे हैं उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पर आयरन लिखा हुआ था ठीक है आयरन नेल रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड ठीक है रिएक्शन क्या हो गया कॉपर सल्फेट अब आप ये देखिए आयरन कहाँ दिख रहा है यहां पर आपको एफ दिख रहा है ठीक है आयरन दिख पा रहा है आपको और कॉपर कहाँ दिख रहा है यहां पर दिख रहा है ठीक है अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ ठीक है ये आपने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में अब ये जो लंबी सी आप सीरीज में देखोगे ठीक है जैसे एफ ऊपर आया और कॉपर नीचे आया ठीक है तो ये जो हाईली मोर रिएक्टिव होते हैं कौन जो ऊपर टॉप जो ऊपर लिखे रहते हैं ऐसे मोट रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे आते जाते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं तो क्या होता है एक बात याद रखेगा आयरन क्या हो गया यहाँ पर एफ है और कॉपर क्या हो गया यहाँ पे सीयू है तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इससे तो इसको धक्का मार के भगा देगा वो ठीक है इसको धक्का मार के भगा देगा किसको कॉपर को आयरन उसकी जगह से तो ये प्रोसेस क्या करेगी रिप्लेसमेंट की चीजें होगी यहां पे रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अभी तो बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी मैंने आपको एक वो सीरीज लिख के दिए रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है काशीनाथ का माली आ, आलू जरा फीके पकाता है ठीक है फीके पकाता है ये तो आप लोगों ने लिख दिया होगा यहां पर ठीक है काशीनाथ का माली आप लोगों ने ठीक है कि आलू जरा फीके पकाता है ये तो अपना जरा फीके पकाता, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग बहुत काम की चीज है आगे क्वेश्चन क्वेश्चन इससे इससे बनते हैं इससे हैं ठीक है बनाते और आप बस सीरीज को याद रखिएगा जो टॉप पे होंगे होंगे जो जो वो मोर पावरफुल और नीचे होंगे वो डाउन होते जाएंगे तो उसकी पावर कम होती जाएगी बस ये ध्यान रखना आपको उसने क्या करा आयरन ने उसको कॉपर को भगा दिया वहां से और खुद बैठ गया उसकी जगह पे जाके ठीक है तो वो क्या हो गया यहाँ पे रिप्लेसमेंट का काम कर रहा है वो ठीक है मैं शायद से इस पर ज्यादा से अच्छे से बता नहीं पाया हूँ आपको बस इतना दिमाग में रखिएगा कि वो रिप्लेस कर रहा है वो रिप्लेस किस बेस पे कर रहा है उस रिएक्शन का जो मैंने वो लिख के दिए आपको वो उसके हिसाब से वो रिप्लेस कर रहा है ठीक है ठीक है यहां पर बताइए थोड़ा सा एडजस्ट करके चले जितनी भी चीजें हो सकती है जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतनी चीजें आपको इस मोबाइल पे बता सकता हूं फर्टिलाइज फर्टिलाइज सेल इज कॉल्ड निशेषित अंडे को कहते हैं जल्दी से बताएंगे जायगोट यहाँ पर बिल्कुल यहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग ठीक है मेल गेमेट्स और फीमेल मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जब मिलते हैं ठीक है फर्टिलाइजेशन होता है उनका जब दोनों का ठीक है आपको ओवम और मिलते हैं तो क्या होता है एक जगह पे इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग जायगोट कहते हैं ठीक है ध्यान में इसकी मैंने पूरी साइकिल बताई थी आपको पूरी लाइफ साइकिल बताई थी मैंने ठीक है जायगोट पूरा स्पम्प से लेके स्टार्ट हुआ था जायगोट फिर ठीक है एम्ब्रियो भूण ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था यहाँ पर पूरी सीरीज मैंने आपको बता रखी थी आपको फिल्टर्स वगैरह सब बता रखा था आगे चलते हैं हम लोग स्लाइड नंबर कौन सी आ गई यहाँ पर ट्वेंटी लोग डेली पढ़ते हैं मेरे से डेली पढ़ते हैं और जो शुरू के पच्चीस देख रखे होंगे ना मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ कोई नया व्यक्ति होगा तो शुरू के पच्चीस लेक्चर देख डालो बहुत ही काम की चीजें हैं उसके अंदर ठीक है और बायो तो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर बायो बहुत ही ज्यादा जैसे उस समय मैं केमिस्ट्री पोर्शन नहीं ले रहा था क्योंकि इतना ज्यादा मैं एक साथ लेता तो मैं भी आपको शायद नहीं बता पाता और शायद आप भी नहीं समझ पाते हैं इसलिए मैं एक ही पोर्शन को ज्यादा खेचता था उस समय में बायो ज्यादा पढ़ाता था ठीक है अभी मैंने केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर रखा है ठीक है जल्दी से बताइए यहां पर क्या होगा बाकी फिजिक्स तो सबसे ही बनती है मुझे ऐसा लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर अकल इन द्योर सब प्योर स्टेट जल्दी से बताइए सोना कह रहे हैं यहां पर ठीक है सोना यहां पे सही जवाब है यहां पर देखिए गोल्ड ठीक है गोल्ड यहां पर सही जवाब है ध्यान रखिएगा सोना यहां पर बिल्कुल सही जवाब है सोना मतलब सोना बाबू वाला सोना नहीं यहां पर गोल्ड ठीक है धातु की बात हो रही है ठीक है ऑफ दिस फॉर्म वर्चुअल इमेज ओनली ठीक है कौन सा है जो वर्चुअल इमेज देता है इनमें से कौन सा कॉन्स्टेबल आवासी प्रतिबंध बनाता है ठीक है जल्दी से इजी सा क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है हम लोगों ने पढ़ रखा है इसके बारे में अरे बहुत ही गलत जवाब पर पढ़ रखा है फिर भी गलत जवाब है छब्बीस स्लाइड नंबर पर आ गए हम लोग ठीक है यहां पर वर्चुअल इमेज ओनली कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कह रहे हैं कुछ लोग ठीक है विच फॉर्म ऑफ विच ऑफ द विच ऑफ दिस फॉर्म इज द वर्चुअल इमेज ओनली इनमें से कौन सा केवल आवासी प्रतिबंध देता है ठीक है आवासी प्रतिबंध देता है कॉन्वेक्स कह रहे हैं यहां पर बिल्कुल यहां पर आप लोगों ने कौन कह के रहे हैं यहां पर कौन लोग कॉन्वेक्स हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि आवासी वर्चुअल इमेज ठीक है वर्चुअल इमेज ओनली इमेज आभासी देता है छोटा देता है हम लोगों ने पढ़ रखा था उसमें ठीक है किस में लगता है गाड़ी में लगता है ये ठीक है गाड़ी के मिरर में लगता है ये कॉन्वेक्स कह रहे हैं बिल्कुल यहां पर सही कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ठीक है ध्यान रखिएगा देखिए मैंने भी देखिए क्या जो मैंने जहां आंसर लिख रखा है वहां पर मैंने भी इसको गलत टिक कर दिया ये लिख दिया था पर मैं आपको बता रहा हूं मेरे को इसका कॉन्सेप्ट पता था तो मैंने इसका आंसर टिक कर दिया है कॉन्वेक्स मिररर ठीक है क्यों क्योंकि आभासी होता है वो ठीक है हम लोग देखते हैं सब मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी वाला गाड़ी चलाता रहता है ठीक है गाड़ी चलाता रहता है वो और उसका आईना लगा रहता है यहां पर ठीक है तो आईने में उसको दिखता है यहां पे ट्रक खड़ा हुआ है और ऐसा छोटा सा ट्रक दिखता है यहां पर उसको ठीक है वर्चुअल इमेज दिखती है उसको आभासी ठीक है जल्दी से बताइए कौन ऑर्गेनिज्म बिल्कुल पे ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है जल्दी से बताएंगे यहां पर क्या होगा इसका आंसर वह जीव जिनमें केंद्र तथा जल्दी परिबद्ध कोशिका अनुपस्थित होती है कहलाते हैं जल्दी यहां पर मैंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रखा था आप लोगों को ठीक है न्यूक्लियस प्रॉपर प्र, लेकिंग ऑफ न्यूक्लियस होता है बिल्कुल एंड प्रोपर लेकिन ऑर्गन सेल ठीक है मैच्योर नहीं होता है वो सीधे बात ये बोल रहा है वो सीधे यहां पर बी के बिल्कुल यहां पर बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया था जो तो ज्यादा पायरो होते हैं प्रो होते हैं वो क्या होते हैं उनका न्यूक्लियस लेकिन प्रॉपर मैच्योर नहीं होता ठीक है बिल्कुल यहाँ पे जो मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोलोंग जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं होता है ठीक है ध्यान रखेगा हाँ ठीक है याद है सभी को मैंने बताया था ऐसा दिया था आपको एक सा टोन टाइप का मतलब एग्जाम्पल कि प्रोलोंग ऐसे नहीं होता है ठीक है बिल्कुल हाँ बिल्कुल यहाँ पे प्रोगिक बिल्कुल सही बता रहे हैं ठीक है इन टाइप ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ ठीक है स्ट्रेंथ में बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना कौन कितना एसिडिक स्ट्रेंथ से से बताना है किसकी ज्यादा है यहां पे आप लोग कह रहे हैं सेकंड वाला कुछ लोग डी कह रहे हैं आप लोग डी कैसे कह सकते हैं मेरे को ये बताइए आप लोग ने एसिडिक एसिड acid को वाटर से ज्यादा बता दिया अरे वाटर न्यूट्रल होता है एसिड इन ना एसिड नेचर का होता है ना बेस नेचर का होता है वो ठीक है उसका PS7 के आसपास होता 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 है 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 न्यूट्रल न्यूट्रल वो यानी कि ना हाँ न्यूट्रल होता है वो सी हाँ, भी गलत बता रहे अरे आप इंक्रीजिंग डिक्रीज है ग्रेटर देन लेस देन का साइन तो देखिए ये साइन तो भी तो देखिए ये जो साइन लगे हुए हैं इन साइनों को भी तो चेक करें आप लोग तो आंसर टिक कर रहे हो वो लोग घुमा फिरा के दे रहे हैं आपको बिल्कुल तो यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे पहली श्रेणी में उन लोगों ने सेकंड वाला उत्तर कर दिया है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक है उनके हिसाब से वाटर से ज्यादा क्या होता है एसिडिक एसिड एसीट होता है ठीक है एसिड एसिड नेचर का ज्यादा एसिडिक स्टेंट फिर एसिडिक एसिड एसीट से उनके हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि अपने स्टमक में पाया जाता है वो लोगों के हिसाब से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बी वाला उत्तर यहाँ पे बिल्कुल कितना सारा सा क्वेश्चन था ठीक है हाँ बिल्कुल वाटर न्यूट्रल होता है बिल्कुल सही बात है तो आपके पास यहाँ पर एसिटिक वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है तो तीन को आपको एडजस्ट करना था इसके अंदर जो सबसे ज्यादा परफेक्ट कौन सा है सेकंड वाला ऑप्शन है कि वाटर से ज्यादा एसिडिक एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड से एसिडिक एसिड को तो अपन यूज करते हैं खाते हैं ठीक है विनेगर होता है ना सी ठीक थ्री सी डबल हाँ बिल्कुल यहां पर सही कह रहे हैं द मेथड ऑफ फूड ठीक है फूड बाय एडिंग कॉल्ड इस द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है बच्चों वाला क्वेश्चन है कोई भी टिक कर देगा इसको तो ठीक है सॉल्टिंग बिल्कुल सही जवाब है ठीक है बिल्कुल यहाँ पे पहला वाला उत्तर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही सही जवाब है ठीक है बिल्कुल यहां पर सही जवाब है फर्स्ट उत्तर कोई का उत्तर अरे कैनिन कैसे कह रहे कैनिन नहीं है ठीक है पहला वाला उत्तर है सॉल्टिंग आगे चलते हैं हम लोग स्लाइड नंबर तीस की तरफ आते हुए आज एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन को सोच के आना कि उसका आंसर क्या होगा ठीक है मैं एग्जाम्पल बता दूंगा एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट में याद दिला देना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ठीक है यू कंप्रेस द स्पेरिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये भी अच्छा क्वेश्चन आएगा कि आपको स्प्रिंग को कंप्रेस करना है ठीक है यू स्प्रिंग यू डू वर्क ऑन इट इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी डिक्रीज डिस्पर्स रिमेन कॉन्टेंट या डिक्रीज होगी क्या होगी भैया जल्दी बताएं इसका आंसर स्लाइड नंबर नोट कर लेंगे सभी लोग तीसरी स्लाइड नंबर है किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में कर सकता है फिर ठीक है ठीक है जल्दी से बताएंगे यहां पर ठीक है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ठीक है यहां पर जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहां पर सभी लोग कह रहे हैं इंक्रीज 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 होगी अरे कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये इसके बारे में पता भी है आप लोगों को ये बताइए ठीक है थोड़ा सा इसके बारे में अगर पढ़ के आइएगा यहां पर ठीक है डिक्रीज होगी इसका आंसर है ध्यान रखिएगा ठीक है डिक्रीज होगी ध्यान रखिएगा इसके अंदर ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जी सही बता रहे हैं आप ठीक है डिक्रीज होगी बिल्कुल सही बता रहे हैं ठीक है और एक और चीज बता रहा अगर आप इस एक और क्वेश्चन ऐसा बनता है स्प्रिंग को आप जब दबाते हैं ठीक है तो पता करिएगा स्प्रिंग को आप जब दबाते हैं और जब उसको रिलीज करते हैं आप ठीक है जब उस स्प्रिंग को आप रिलीज करते हैं तो आपको उसको क्या कहते हैं एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं शायद मुझे याद नहीं है मुझे पता भी नहीं एक्चुअली में तो वो बढ़ती है कि घटती है ये आपको पता करना है ठीक है तीव्र गति काइनेटिक एनर्जी शायद यही होता होगा तीव्र गति को ही कहते होंगे ठीक है काइनेटिक एनर्जी उसको देखिएगा ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कि घटती है ये भी पता करना है इसके हिसाब से आंसर मत कर देना ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका आंसर है डी वाला डिक्रीजिंग और किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बाद ठीक है द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता हुआ ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता ही है ठीक है अगर इसमें नहीं आता तो जेल पेरी में तो आ जाएगा नहीं आया तो बाकी एस SI आई के पेपर में तो एक जरूरी रहता है कि आता ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से क्वेश्चन है क्योंकि अब तो बीस क्वेश्चन आने हैं तो वो लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे ज्यादा तो ऐसे हम डीपली पूछेंगे नहीं ठीक है बिल्कुल यहां पर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसमें ठीक है एनोमोमीटर कह रहे हैं बिल्कुल यहां पर गलत जवाब है रखेगा एक इसमें एक बहुत कंफ्यूजन सी है इसने सिर्फ यहां पर दिया है प्रेशर अभी मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा तो हमेशा आप याद रखेंगे कि प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने का वो मैनो मेनोमीटर होता है ऐसा आप मान लेंगे ठीक है ऐसा आप मान लेंगे जबकि आप ऐसा मानेंगे तो आपको गलत आंसर मिलेगा ठीक है भले आंसर यहां पर सही है आंसर यहां पर सही है ठीक है आपको अगर एटमोस्फेयरिक प्रेशर के बारे में बात करें तब आपको क्या यूनिट लगानी है तब आपको कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है और आपको गैस प्रेशर ठीक है गैस प्रेशर की बात हो रही है तब कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है ठीक है तो ये जो मैनोमीटर लिखा हुआ है ये आपको गैस प्रेशर की बात कर रहा है वो ठीक है यहां पर उसने एक्सप्लेन नहीं करा है और ना कि दूसरा भाई उसका लिखा हुआ है यहां पर बैरोमीटर इसलिए उसने प्रेशर को जो मेजर करता है यहां पर सीधा उसने आंसर मैनोमीटर लिख दिया है ठीक है ध्यान रखिएगा दूसरा याद रखिएगा एटमोस्फेयरिक प्रेशर नापने के लिए कौन सा वो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ठीक है प्रोटीन आर फॉम फॉर्म्ड इन प्रोटीन का संश्लेषण होता है बच्चों वाला क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल यहां पर मतलब मैंने सही बोला था काइनेटिक एनर्जी को गति ऊर्जा कहते हैं बिल्कुल यहां पर हाँ बोलते गति ऊर्जा हाँ बिल्कुल वही हाँ सो नंबर का होगा अब कंफर्म हो गया है ठीक है सो नंबर का पेपर होगा और बीस नंबर के हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन होंगे ठीक है बीस क्वेश्चन होंगे ठीक है हर सब्जेक्ट में इंग्लिश में हिंदी में भी बीस होंगे इंग्लिश में भी बीस होंगे मैथ्स में भी, भी। राइबोसोम पर बिल्कुल पर सही जवाब है पर बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वो तो इजी क्वेश्चन था इसको भी याद रखिएगा अगर आप लोग याद रख पाएंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ ठीक है धोखा हो जाएगा आपको पूछा कोल गैस कोल गेस इज मिक्सचर ऑफ ठीक है कोयला गैस का किसका मिश्रण है जल्दी से बताएंगे याद रखने वाली चीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पूछेगा आपको पता होना चाहिए बनाने नहीं बैठोगे वहां पर आप इक्वेशन को पूरा ठीक है इसको मिक्सर करोगे ये करोगे तो फिर आपको फिर पता चलेगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन पर बिल्कुल ठीक है यहां पर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ध्यान रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर सी वाला सीएचयू यानी मिथेन हो गया ठीक है मोनोऑक्साइड हो गया ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया हाइड्रोजन हो गया बिल्कुल ये वाला सही जवाब है आप लोगों का ठीक है बिल्कुल सही जवाब है थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है याद रखिएगा सी एच फोर सी ओ प्लस एच टू ओ आगे चलते हैं हम लोग स्लाइड नंबर चौतीस की तरफ ठीक है वाला अब तो यूनिट बेस है एक यूनिट बेस पे क्वेश्चन आता है ठीक है न्यूटन के पास कितनी डायन थी जल्दी से बताइए ठीक है जल्दी से बताइए बिल्कुल सही बता रहे जवान सिंह जी बिल्कुल यहां पर सही जवाब एकदम बिल्कुल सौंपे सटीक गलत जवाब है दीपिका जी आपका ठीक है बाकी सभी लोग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उत्तर कर रहे हैं ठीक है आज के बाद किसी का भी दिक्कत नहीं होगा कि न्यूटन के भाई के पास कितनी डायने थी एक न्यूटन में कितनी क्या होती है डायन होती है टेन की पावर फाइव डायन होती है ठीक है न्यूटन के पास कितनी पांच डायने थी याद रखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा दिमाग में बिठा लीजिएगा अपना ठीक है ठीक है पांच डायन डायन यूनिट होती है हम उसको डायन मान लेते हैं ठीक है न्यूटन हमेशा पांच डायनों के साथ घूमता था बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हैं न्यूटन इज इक्वल टू क्या तो होता डायन, डायन होता है है की पावर ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर बी वाला सी वाला उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ठीक है ठीक ठीक है 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 बिल्कुल सही जवाब ये देखिए अगर आप लोगों में से कोई नया है उसने अगर इंग्लिश की क्लासेस लेना नहीं शुरू करी है बिल्कुल आपको पढ़ा दिया गया है क्योंकि आपके एम पी जेल पेरी में आपको इंग्लिश दिक्कत करेगा अगर किसी को इंग्लिश दिक्कत नहीं करेगा उसकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी तो मैथ्स दिक्कत करेगा मैथ्स नहीं होगा तो फिर हिंदी है थोड़ा हिंदी में तो आप एडजस्ट कर भी लोगे पर इंग्लिश में नहीं कर पाओगे ठीक है इंग्लिश में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पढ़ा होगा तभी आंसर दे पाओगे वरना नहीं दे पाओगे ठीक है एक बजे अर्जुन सर की क्लास से आप लोगों की जीएस जीके की ध्यान रखिएगा जीके की ठीक है और आप लोगों से सभी लोगों से अब तो क्या करना है आपको शेयर करना है वीडियो को ठीक है ठीक है शेयर करें वीडियो को शेयर फेसबुक पे करें कहीं पे भी करें शेयर करें वीडियो को ठीक है व्हाट्सअप पे करें जहां पे टेलीग्राम पे करें जहां आपकी इच्छा है वहां करें ये देखिए लाइव क्लासेस के टाइमिंग है नोट कर लीजिए अगर कोई नया आया वो ले सकता है इसका ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाइव क्लासेस के टाइम टाइमिंग एमडीएफ का टाइमिंग है और टीटीएस की अभी टाइमिंग चल रहा है ठीक है ध्यान रखेंगे सर पेपर सो मार्क्स का होगा क्या जलपेरी का बिल्कुल रवि जी सो मार्क्स का होगा पेपर ठीक है रूल बुक देखिए मैं आपको बताता हूं रूल बुक हमने टेलीग्राम पे सेंड कर दिए ठीक है क्या हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं इस पर वीडियो बनाना टाइम व्यर्थ करना होता है ठीक है इसलिए हम लोग इस पर वीडियो नहीं बनाते हैं वो पीडीएफ को हम यहाँ खोलते हैं उसको बताते हैं आपको कि सो मार्क्स का पेपर होगा बीस नंबर का हर सब्जेक्ट का होगा तीन घंटे का दो घंटे का पेपर होगा सो नंबर का पेपर है तो वो तो आप भी पढ़ सकते हो अपन पढ़े लिखे लोग हैं ठीक है उसमें कोई बताने वाली से जी अर्जुन सर की क्लास है एक बजे याद रखेगा जो कि दस पंद्रह मिनट से स्टार्ट होगी उनका इवेंट डाला हुआ है आप जाके लाइक कर सकते हैं उसको और शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को भी शेयर करें फटाफट सभी लोग एक बजे की क्लास में आएंगे ठीक है लाइव क्लास लेने से क्या होता है झंझट नहीं होती बात की ठीक है बात की झंझट नहीं होती ले दुआ के खत्म करो हमने टाइमिंग भी इसलिए सेट कर रखा है कि शुरू की बजे से क्लास ले ली ठीक है उसके बाद खाना खा लिया हमारा रेस्ट करा थोड़ा सा फिर पढ़ने बैठ गए हम लोग खुद ऐसा टाइम सेट कर रखा है आप लोगों का क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही पढ़ना पड़ता है आपको ठीक है सुबह मॉर्निंग में इसलिए ले ली जाती है क्लास की सुबह ले के नूतन मैम की क्लास खत्म शाम को पूरा टाइम हमारा पढ़ाई पढ़ाई का पढ़ाई पढ़ाई का सेल्फ पढ़ाई करनी है और आप लोगों में से अगर कोई इधर उधर भटकता हो यूट्यूब्यूब खेलता हो तो बिल्कुल वो चीजें छोड़ दें ठीक है एक चीज को पकड़ के रखें और उसी को कंप्लीट करें इधर उधर डोलने का काम नहीं करें ठीक है वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से और शेयर करेंगे ठीक है लाइक करना कोई नहीं भूलेगा आप में सभी लोगों को लाइक देखेंगे हम कितने लाइक हुए हैं ठीक है दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं मस्त रहे स्वस्थ रहे और पढ़ाई करते रहे ठीक है धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए एक बजे की क्लास में ज़रूर आएगा थैंक यू